हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ रफीक है और आप देख रहे हो एजुकेशन हेल्प जी। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड टाइप है जिसे जिसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी स्टार्ट करते हैं हम इसे। सबसे पहले दोस्तों हमने एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा करना है। ओके, ये देखें, मैंने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया हुआ पहले से। वाई एक्सिस अलोंग हमारे पास स्पीड होगी, एक्स एक्सिस अलोंग हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। ओके जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ जी। अब हम इसका मुताला करते हैं, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी, सबसे पहले हमने क्या किया, इन स्पीड टाइम ग्राफ shown in figure, the total distance s traveled by the body is equal to the total area OABD जो हमारे पास है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है बॉडी में वो इक्वल है टोटल एरिया के, OABD। ओके, वो ही मैंने यहां पर लिखा है, इसके बराबर है। अंडर द ग्राफ, अंडर द ग्राफ, ओके, हमें पता है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी ए, यही एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, तो हम क्या कहेंगे, ओ ए सॉरी ए बी सी आ जाएगा हमारे पास, प्लस रेक्टेंगुलर, एक हमारे पास रेक्टेंगल भी बन रही है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, इसका एरिया। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, ठीक है, हम यहां पर लिख देते हैं जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके जी, ए बी सी इक्वल है हाफ ए सी, ओके, मल्टीप्लीकेशन बी सी के, ए सी मल्टीप्लीकेशन बी सी, ए सी एंड बी सी के हाफ के बराबर है, ठीक है। हमने अभी ये एरिया भी हमने लिखा हुआ है कि हाफ है, ऐसे ही है जी। अब हमारे पास जो ए सी है वो किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, डिस्टेंस ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस टाइम के बराबर है, क्योंकि ए सी और ओ डी जो है वो पैरेलल है, सो जो इसका होगा वही इसका होगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ए सी जो है वो किसके बराबर आ गया, ठीक है, और जो बी सी है फिर वही बात, फिर बी सी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा,
जो बी सी है वो किसके बराबर आएगा, जी ये बराबर आ जाएगा ए टी के। ए टी के बराबर कैसे आया, अब मैं ये बात करता हूं इधर, चले मैं यहां पर लिख लेता हूं रफ अमल, रफ मैं करता हूं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ये आपने ऐड नहीं करना। ओके जी, हमें पता है कि हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें बी से लेकर सी तक की वैल्यू चाहिए, ऐसे ही है। और हमने ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले बी डी लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे बी सी। ओके, जब हम सॉरी बी सी नहीं, हम बी डी लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे सी डी, अगर माइनस करते सी डी जो बाकी बचेगा वो किसका जवाब होगा, वैल्यू होगी बी सी की, माइनस कर दें सी डी। ओके जी, अब देखें जो बी डी है वो किसके बराबर है, वी एफ के, और जो सी डी है वो किसके बराबर है, वी आई के, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी। देखो वी एफ लिखा हुआ है ना, वी एफ यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हो, वी आई लिखा हुआ वी आई यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हो स्पीड। ओके, तो इसकी भी स्पीड इतनी होगी, इसकी भी इतनी होगी, तो वी एफ माइनस वी आई। ओके, अब देखो हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़कर आए हैं कि वी एफ माइनस वी आई ओवर ओ डी, ए सी भी था ना, ए सी था ना, ए सी, ए सी जो बराबर था ओ डी के बराबर था, तो ओ डी जो है वो बराबर किसके है, टी के, और ये बराबर है ए के, ये भी हमने पढ़ा है पीछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो बराबर है ए सी बी सी के, और बी सी ओवर ए सी के, तो बी सी हमने ये कर लिया, ओ ए सी को हमने ओ डी लिख लिया था, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू आ गई ए टी। तो यहां पर हमारे पास जो है बी सी वो बराबर किसके आएगी, ए टी के बराबर, तो इस वजह से हमने यहां पर ए टी लिखा। ओके गाइज जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की। अब हमने एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का निकालना है अब हमने, ठीक है, तो ओ ए सी डी, देखो फ्रेंड्स फिर हम फिगर में देखते हैं ओ ए सी डी, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए ओ डी, हमने लिखा ओ ए, हम इसकी जो है विड्थ ले लेंगे कितनी आती है और लेंथ ले लेंगे, ठीक है, तो विड्थ हमारे पास ओ ए के बराबर, लेंथ जो है वो बराबर ओ डी के हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ओ डी। ओके, जो ओ ए है, ओ ए किसके बराबर है, वी आई के बराबर है, ओ डी किसके बराबर है, टी के, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी वी आई मल्टीप्लीकेशन टी, ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है जी। अब हम डिस्टेंस एस में पुट कर देते हैं। ओके, हम यहां पर लिख देते हैं टोटल एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल टू था एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे ही था। हमने क्या करना है, यहां पर हमने एस लिखा था, ये भी हमारे पास वो ही है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, मैंने यहां पर पहले रेक्टेंगल लिख दिया, बाद में मैंने ट्राइंगल लिख दिया, इसमें कोई फर्क नहीं है जी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी।
तो हमने क्या किया कि हमने लिखा यहां पर putting the values in above equation. ओके, above equation में हमने putting कर दी values. ठीक है, तो area of OABD किसके बराबर था? S के, distance के. area of rectangle OACD ये किसके बराबर था? area of rectangle OACD. OACD जो है वो बराबर था VI multiplication T के, plus area of triangle ABC. area of triangle ABC कितना था हमारे पास? ये लिखा हुआ ऊपर, वो था 1 over 2 T multiplication AT. 1 over 2 AT का square लिख सकते हैं इसे हम, और area of rectangle का हमारे पास VIT था, वो हमने लिख लिया. तो हमारे पास second equation of motion जो है वो बराबर आई जी VIT plus 1 over 2 AT square. This is the second equation of motion. Okay, हमारा topic complete हुआ. Allah Hafiz.